राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल की जानलेवा एवं लापरवाह व्यवस्था को सुधारने हेतु हस्ताक्षर अभियान। और देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है राजगीर चौक से, एक कैंडल मार्च निकला है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। किस चीज़ को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं प्रेम जी, आप एक्साइटेड हैं कुछ बताने के लिए? हमारे मित्र के बड़े भाई का आकस्मिक बच्चे का आकस्मिक देहांत हो गया। अच्छा, हॉस्पिटल राजगीर रेफर अस्पताल में हुआ, जिसमें डॉक्टर ने मतलब कुछ जिम्मेवारी पूर्वक कोई काम नहीं किया, उसी के खिलाफ, उसी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग चाह रहे हैं कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, राजगीर हॉस्पिटल को ठीक किया जाए, ताकि आगे आने वाले को दिक्कत ना हो। हुआ क्या था थोड़ा सा ये भी बताएंगे? बच्चा अस्पताल के लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की जान चली जाती है, जिसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल का जो प्रभारी है वो भी बताएंगे, सुदृढ़ कर सके, इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करें, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को यहाँ अपनी टाइमली ड्यूटी नहीं कर पाता है। और ये कब का घटना है? दिवाली का पहले का घटना है। अच्छा अच्छा, ये राजगीर इंटरनेशनल पैलेस में, राजगीर इंटरनेशनल पैलेस है, लेकिन राजगीर अनुमंडलीय सदर हॉस्पिटल में ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है। आए दिन ऐसा कितना मर्तबे सुना गया है, लेकिन आज जो घटना घटी है हमारे छोटे भाई के पुत्र के साथ, उससे राजगीर पूरा दुखित है। और यह दुख की परिचय प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो आप देख रहे हैं किसी विशेष जाति का हॉस्पिटल नहीं है, वो किसी विशेष जाति का दलान है वो। अब देखा जाए उठा करके रिकॉर्ड की कितना दिन से ये प्रभारी राजगीर में प्रभार गिरी कर रही है, और जरा सा भी कुछ होता है तो उसको तुरंत है सो कि ये पटना जाइए, फलना जगह जाइए, ऐसा हो रहा है लगातार भ्रष्टाचार है राजगीर हॉस्पिटल में। अनुमंडल अस्पताल होते हुए भी रेफर किया जाता है, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दवा दारू यहाँ नहीं है, किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं रहते हैं, मरीज जाते हैं वहाँ से लौट के सीधे रेफर यही लिखता है। एक्सीडेंट वाला आए चाहे तबीयत खराब वाला आए, किसी का कोई इलाज नहीं है राजगीर हॉस्पिटल में। वो हर चीज के लिए चल रहा है, तो वर्तमान में अभी हमारे राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल जो रेफरल से अनुमंडलीय तो बन गया है, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, पैथोलैब की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, किसी भी बीमारी होने पे, हड्डी टूटने पे तुरंत यहाँ से रेफर किया जाता है। ना तो पूरे डॉक्टर की व्यवस्था है, ना पूरे नर्स की व्यवस्था है। इन सारे घोरा भाव को लेकर के राजगीर की तमाम जनता इस बैनर तले आज एक मुहिम छेड़ी है, हस्ताक्षर अभियान से लेकर के कैंडल मार्च के कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिन में अगर हॉस्पिटल नहीं सुधरती है तो पूरे राजगीर को बंद करने का हम लोग ऐलान करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।